राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को दिया बड़ा तोहफा। सचिन पायलट को तोहफा मिलते ही सचिन पायलट समर्थकों ने मनाया जश्न। अशोक गहलोत की उड़ी नींद। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से बड़ा तोहफा मिलने के बाद सचिन पायलट के चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। इसके साथ ही सचिन पायलट समर्थकों ने जमकर जश्न भी मनाया। दरअसल बीते कई समय से सचिन पायलट इस आस में बैठे थे कि कब पार्टी आलाकमान उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी और कब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि पार्टी आलाकमान उनके साथ में खड़ी हुई है। दरअसल सचिन पायलट और पार्टी आलाकमान के बीच बीते कुछ समय से सियासी बातचीत देखने को मिल रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीते कुछ महीनों पहले जो चुनाव हुए थे उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए भी भेजा था। ऐसे में उस वक्त ही पता चल गया था कि पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। अब देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी राज्य प्रभारी बनाने वाली है, जिससे अशोक गहलोत हैरान और परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने बड़ा फैसला किया है कि सचिन पायलट को राज्य का प्रभारी बनाया जाए, जिसके लिए दो राज्य है जिनके नाम सामने आए हैं, एक गुजरात और दूसरा उत्तर प्रदेश। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जो है सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश का राज्य प्रभारी भी बना सकती है। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान भी सौंपी जा सकती है, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।